हेलो ममता मेकओवर में आपका स्वागत है। आज मैं फेशियल करना स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने सिल्वर का VLCC का मैंने फेशियल किट लिया है और मैं फर्स्ट स्टेप ले रही हूँ क्लिंजर। और मैं पहले फेस क्लीन कर रही हूँ क्लिंजर से। और देखिए आप कितने अच्छे से क्लीन हो रहा है। पहले किसी का भी कोई भी कस्टमर आए, आप उसका फेस पहले क्लिंजर से क्लीन करिए। जैसे फेशियल किट में क्लिंजर दिया रहता है, आप उसे फेस क्लीन करिए, क्योंकि आते टाइम क्या होता है, धूल मिट्टी तो आ ही जाता है। उसके बाद से हम इसको क्लीन करने के बाद से मैं सेकेंड स्टेप लूँगी स्क्रबिंग। स्क्रबिंग से क्या होता है, हमारी डेड स्किन हट जाती है। देखिए मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ। स्क्रबिंग हमेशा फिंगर से ही आपको करना है, कभी ही हमसे नहीं करना है। जैसे कि क्या है, पूरी जो ऐसे हथेली होती है उससे करेंगे बहुत ज़्यादा रगड़ लग जाएगा। इसे बहुत सॉफ्टली फिंगर से ही करना होता है। आप देख सकते हैं मैं कितने आराम से कर रही हूँ। और इससे क्या होता है, डेड स्किन रिमूव होता है। आप देख सकते हैं कैसे मैं नोज पे फिंगर को चला रही हूँ। ऐसे ही आपको भी करना है, बहुत आराम आराम से आईज के नीचे, नोज पे, फॉरहेड पे, पूरा अच्छे से मैं कर रही हूँ। ये नहीं कि बहुत तेज़ रगड़ के करना है, ऐसा नहीं है, आप आराम आराम से करिएगा। देखिए मैंने क्लीन कर दिया। अब मैं सेकेंड मैं जेल ले रही हूँ। जेल आप 5 मिनट करना है, जैसे स्क्रबिंग 5 मिनट का, जेल भी ऐसे ही 5 मिनट करना है। और इसको हल्का सा मसाज के साथ ही करना है, क्योंकि स्क्रबिंग से डेड स्किन पूरी रिमूव हो जाती है, तो जेल अप्लाई करना चाहिए उसके बाद। उसके बाद से मैंने क्रीम लिया है। क्रीम को हम 15 मिनट तक फेस पे मसाज करेंगे। हेड मसाज भी इसमें करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पूरा मैं कैसे चला रही हूँ फिंगर। अब कई बार अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे कर रही हूँ। बहुत आसान से आसान वो है स्टेप हैं आपके। और जो भी मैं जो बिगनर होंगे, बस 1-2 स्टेप ही करेंगे और अच्छे से करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा 15 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से बहुत सारे स्टेप आप सीख सकते हो, कर सकते हो, जिससे कि ग्लो आए। आप देख सकते हैं मैं फिंगर से पहले कर रही हूँ लोअर लिप, अपर लिप, जो फाइन लाइन होती है, जो वहाँ वहाँ पर मैं स्टेप कर रही हूँ। और इसमें क्या है कि आपको अच्छे से मसाज करना है, जैसे कि रिलैक्स हो इंसान। और बहुत तेज थपड़ थपड़नी, बहुत लोग अजीब सा करते हैं, वैसे नहीं। आप कुछ आसान स्टेप ही सीख लीजिए, उससे फेशियल करिए, आपका ग्लो हमेशा आ जाएगा। कोई भी जैसे क्रीम का अगर 50% काम होता है, तो 50% हैंड का भी होता है, आपके करने के तरीके से भी होता है। आप देख सकते हैं अच्छे से हो रहा है। और ये सारे स्टेप जैसे कि नोज पे जैसे स्क्रबिंग में किया, वैसे ही कर रहे हैं कि क्रीम हील करे पूरी स्किन को। आप देख सकते हैं आईज के नीचे मसाज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मसाज करना है आपको क्रीम से। देखिए हमसे ऐसे अच्छे से प्रेस कर रहे हैं। आपको अगर ये स्टेप आ जाता है तो बहुत को आईज में थकान रहती है, वो ठीक हो जाता है, आराम मिलता है, रिलैक्स इंसान हो जाता है। देखिए
से क्या होता है कि किस कस्टमर खुश होते हैं, तो मसाज के स्टेप जो भी होता है आराम मिलता है। तो अब हम फॉरहेड पे आ गए, फॉरहेड पे भी ऐसे ही करना है मसाज, फिंगर को क्रॉसिंग क्रॉसिंग करके। ये बहुत ही आसान आसान स्टेप है जो कि हर कोई कर सकता है। प्रेस करके करना है जैसे कि दबाव के साथ। फॉरहेड पे मसाज इसलिए देते हैं जो फॉरहेड पे फाइन लाइन पड़ जाती है वो ना पड़े, और मंथ में एक बार फेशियल जरूर कराना चाहिए कि फेस का मसाज हो जाए, कि रिंकल्स जल्दी ना आए, जैसे कि एज जैसे आने लगती है, फेस पे क्रीम उतना अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो क्या होता है, फेशियल कराने से मसाज में अंदर तक ऑयल चला जाता है, जिससे कि रिंकल्स थोड़ा लेट बनते हैं, जल्दी नहीं बनते, और ग्लो भी आता है फेस पे। आप देख सकते हैं मसाज पूरा हो गया है। ऐसे ही आप करोगे पूरे अच्छे से सूख जाएगा, इसको वॉश नहीं करना है, और अच्छे से हो गया। ये फाइनल मसाज दे रहे हैं कानों के पीछे, ऐसे खिंचाव करोगे तो बहुत आराम मिलता है कस्टमर को, बहुत ही आराम मिलेगा। और कान के पीछे मैं ऐसे दिखाई हूँ कि ऐसे प्रेशर पॉइंट दबाना है, आप दोनों फिंगर से ये बीच वाले से गोल 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 करके दबाओ, थोड़ा थोड़ा दीजिए, यानी कि बहुत तेज, बहुत ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसे बहुत आराम मिलेगा और बहुत रिलैक्स हो जाती है बॉडी। फिर हेड मसाज कर रहे हैं दबाव के साथ, उसके बाद से मैं अब ये फॉरहेड से लेके जाऊंगी, इससे भी बहुत आराम मिलता है। और फिर हेड में ऐसे राउंड राउंड सारे फिंगर से पहले मसाज करूंगी, देख सकते हैं। हेड मसाज भी ज़रूरी होता है क्योंकि पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाए और अच्छा लगे। ऐसे वाला मसाज करने से बहुत अच्छा लगता है, ये अगर रोज़ आप करते हो शाम के टाइम तो हेयर ग्रोथ में भी बहुत फ़ायदा करता है, देख सकते हैं। ये जैसे चुटकी होता है उससे पकड़ के ऐसे यहाँ पे दबा दोगे, बहुत रिलैक्स इंसान होता है, देख सकते हैं। हो गया है, उसके बाद से मैं ब्लैकहेड रिमूव लास्ट में करती हूँ, बहुत लोग पहले करते हैं, जैसे कि सबका करने का तरीका अलग अलग होता है, मैं हमेशा लास्ट में करती हूँ। अब देखिए मैं पैक लगा रही हूँ। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और बहुत ही आसान स्टेप मैंने बताया है, एडवांस स्टेप की स्टेप सीखना हो तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको एडवांस भी मैं सिखाऊंगी। देख सकते हैं मैं अब इनको फाइनल क्रीम लगाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।